अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे आलू भरे कीमे के कबाब। चलें, ये है 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर पिसा हुआ, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर भुना हुआ पीस लेना है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 3 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून नमक, और ये है कीमा, अदरक लहसुन का पेस्ट, आलू मैश हुए हुए। मैं मैश करने का तरीका आपको भी बताती हूँ। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, 1 अदद प्याज को बारीक चॉप कर लेना है। अब कीमे को हम फ्राई करेंगे। पैन में आपने 1/2 कप ऑयल ऐड करना है। गर्म होने के बाद इसके अंदर कीमा शामिल करना है। कीमे को आपने ऑयल में थोड़ा सा ब्राउन करना है और फिर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। इसे भी मिक्स करना है। इसके अंदर तमाम स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है। देखिए अच्छे से इसके अंदर सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। अब इसे रख देंगे हम 10 मिनट के लिए। ये देखिए आलू को आपने इस तरीके से मैश करना है और इसके अंदर नमक शामिल करना है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च, और इसे मिक्स करना है। देखिए कीमे को हम चेक करते हैं 10 मिनट बाद। कीमा अच्छे से भुन चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। 1 मिनट तक इसे और मिक्स करना है, इसे अच्छे से भूनना है। अब इसे हम प्लेट में सर्व करेंगे। देखिए प्लेट में हमने इसे निकाल लिया है ताकि ये ठंडा हो जाए। कीमा जो है वो ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर हम सारे ग्रीन मसाले ऐड कर देंगे जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। लेमन जूस शामिल करेंगे 1 टीस्पून और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी हम फिलिंग करेंगे। हाथों को आपने थोड़ा सा गीला कर लेना है, पानी लगा लेना है और इसे आलू का भुट्टा लेके इसे गोल गोल बनाना है और इसके अंदर कीमे की ऐसे फिलिंग करनी है और इसकी राउंड शेप बना लेनी है ऐसे आहिस्ता आहिस्ता। देखिए बन चुका है कबाब। ऐसे ही अब हम दूसरा भी बना लेंगे। देखें इस तरीके से सारे बना लेने हैं। अब 1 अदद अंडा लेना है, इसके अंदर हसबे ज़ायक का नमक शामिल करना है और 1/2 टीस्पून काली मिर्च शामिल करनी है और इसे मिक्स कर ले फेंट लेना है अच्छे से और फिर इसके अंदर कबाब को डिप करके तवे पे इसे फ्राई करना है। ऐसे ही हम सारे कबाबों को भी फ्राई कर लेंगे एक एक करके इसके अंदर। सारे कबाब आपने रख लेने हैं। अब दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। देखिए किस तरह से लाइट ब्राउन हो चुका है और दूसरी साइड से भी आपने इसे ही सिर्फ ब्राउन करना है। कबाब जो है फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। कीमा भरे कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं। अगर आप इसे इमली की चटनी पुदीने के रायते के साथ या केचप के साथ खाना चाहें और आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को